इन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी की आपका एक्सरसाइज नंबर 5.2 का द फर्स्ट क्वेश्चन इज जेड इज इक्वल टू -1 - i√3। बिफोर दैट नाउ व्हाट द इंस्ट्रक्शंस वी हैव कि क्वेश्चन में करना क्या है, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और 2 जो क्वेश्चन है इसमें हमने मॉडुलस भी फाइंड आउट करना है और आर्गुमेंट भी हमने निकाल दिया। अभी देखिए अभी बताता हूँ, आप चिंता मत करिए। इसमें भी आपके क्या होंगे, 2 मेथड होंगे, आपका कौन सा आपको अच्छा लगता है आप मुझे ये बताइए। अब आप करोगे फर्स्ट मेथड में आपका ना देखो, फर्स्ट देखो जेड इज इक्वल टू -1 - i√3 आपका, जबकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है a+i, am I right? ठीक है, आप इसको x, ये कोई जरूरी नहीं किसी डॉक्टर ने ये बोला है, आप इसको x प्लस आई वाई भी देख सकते हैं, तो ना गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड फॉर्म z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई भी लिख सकते हैं इसको। अब आपका x का मतलब अगर आप देखेंगे तो दिस इज रियल, और y का मतलब अगर आप देखेंगे इमेजिनरी, ठीक है, वैसे क्या लिखते हैं इसको ऐसे r ऑफ z आपका नाम r e लिखते हैं ना, और आपका इसको y इज इक्वल आपका आई एम इमेजिनरी ऑफ z ऐसे लिखते हैं। इसके बाद x इक्वल टू आपका नाम दिस इज द -1 एंड y I I को you are going to compare, so y is equal to you are getting आपका -√3। Signs are very much important ये याद रखना। अब now first you have to find out the modulus. Modulus आपका क्या होता है? R is equal to इसका जो formula होता है x square plus y square या a square plus b square भी आप कर सकते हैं। R is equal to -1 square और अपना प्लस -√3 का स्क्वायर अपना r इज इक्वल इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर आंसर इज आपका ऑलवेज पॉजिटिव, तो 1 + 3 r इज इक्वल दिस इज द r क्या है आपका दैट इज द मॉडुलस, r क्या व्हाट इज दैट मॉडुलस। अब आपको निकालना क्या, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, क्वेश्चन देख लो किसमें है, ये आपका आपका दिस इज -1 - i√3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आपका एंड यहां से देखिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका क्या होता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y upon x, ये तो आप देखो तो ना थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स द वैल्यू ऑफ y इज तो थीटा इज इक्वल टू आपका टेन इनवर्स -- का प्लस क्या है, ओके फाइन। अब ये यहाँ आएगा थीटा ओवर टेन इनवर्स इज इक्वल टू √3 by cross multiplication ऊपर जाएगा, देखो 1 upon x की पावर -n जब ऊपर जाएगी it will be converted into the positive, इसका मतलब 10 theta is equal to √3, is it clear? 10 theta तो ना आपका तो 10 theta is equal to √3 किसकी वैल्यू होती 10 60 की डिग्री, और इसको जब रेडियन में आप चेंज करेंगे तो 10 थीटा इज इक्वल टू 10 पाई बाय 3 थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो गया पाई बाय 3 क्लियर हो गया, तो 10 थीटा इसका मतलब आपको क्या लिखा हुआ, आपको क्या निकालना था आर्गुमेंट निकालना था, तो 10 थीटा आपका क्या आ गया पाई बाय 3 को
माइनस तो ठीक तो है आपका ए ए प्लस आई भी हो गया प्लस है ना कोई बात नहीं आपका जब आप कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू माइनस वन हो गई कोई दिक्कत ही नहीं अगर वन प्लस आई रूट थ्री होता तब कोई दिक्कत नहीं थी अभी भी कोई दिक्कत नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमेशा प्लस का ही होता है आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं नाइन टेंथ में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका टेंथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म तो वही होता है आगे कंडीशन होती है कोई बात नहीं हमने तो वहाँ कम्प्लीट कर दिया उसके लिए ऐसे टेन तो थीटा ऐसे बड़ा आपका टेन थीटा आपका ये हो गया देखो अब आप इसको काटते नहीं देते तो क्या होगा टेन थीटा ऐसे करो टेन पाई बाई थ्री तो टेन थीटा ऐसे करो टेन पाई प्लस पाई बाई थ्री 180 प्लस थीटा क्या होता है जरा चेक करिए टेन 180 प्लस थीटा क्या होता है जल्दी चेक करो सब कुछ देखना पड़ेगा आपको फॉर्मूले वगैरह सब याद करने पड़ेंगे टेन थीटा होता है देखो पाई बाई थ्री देखो पाई बाई थर्ड क्वाड्रेंट है ना क्या बोला उसने देखो व्हाट अच्छा वो तो मेरे को अभी ट्रिग्नोमेट्री की है मेरे दिमाग में अभी देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही है दो बार जबकि मैंने मिटा दिया क्योंकि आपसे पहले टेंथ था उससे पहले ट्वेल्थ था और उससे पहले मैं बारिश में भीगा तो मेरे दिमाग में अभी देखो क्योंकि टेंथ थीटा मेरे दिमाग थर्ड क्वाड्रेंट में एनी हाउ तो देखो आपका टेन पाई बाई थ्री आ गया तो वैसे भी आपका देखो ये आपका क्या टेन पाई प्लस पाई बाई थ्री हो गया तो सेंस लाइन ऑफ रोटेशन वैसे भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी अगर याद आ रहा है तो देखो ना लाइन इन आपका ना थर्ड क्वाड्रेंट क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट आपका क्या होता है तो आपका वन आपने क्या बोला टेन 180 प्लस थीटा क्या होता है टेन थीटा ही होता है तो थ्री पाई प्लस वन पाई कितना हो गया फोर पाई तो देखो तो थीटा इज इक्वल टू फोर पाई बाई थ्री दिस इज कॉल्ड द आर्गुमेंट हमें उसको ऐसे फॉर्म में निकालना पड़ेगा जी 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 अब एक तो ये मैथड दिस वाज द फर्स्ट मैथड हम लोग थीटा डायरेक्टली 60 नहीं लिख सकते नहीं नहीं ये निकालना पड़ेगा रेडियन में दिखाएंगे जी हो गया अब आपका देखो सेकंड मेथड आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा ये आप मुझे बताइएगा मेरा काम मेरी जरा बुद्धि आज गर्म भी हो रही है ऊपर का कमरा आपका देखो ये गर्म अब आप क्या करेंगे देखो दिस z इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आई या आई रूट थ्री लिख दो या रूट थ्री आई कोई फर्क नहीं पड़ता आपका नाम ठीक है ना तो नाउ अगर उन्होंने बताया होगा स्कूल में विच मेथड दे टोल्ड यू आपका इंग्लिश में आपका अगर स्कूल में कराया तो कौन सा मेथड आपको कौन सा बताया हमने ये बताया तो नाउ कंपेयर इट विथ एक्स कॉस थीटा और प्लस एक फॉर्मूला बताया होगा आई साइन थीटा बताया माइनस वन की जो वैल्यू होती है ये आपका देखो ना दिस इसको कहते हैं आर कॉस थीटा ये आपका आर कॉस थीटा की वैल्यू होती है आपका देखो ना दिस और ये एंड ये तो माइनस थ्री जो आई के साथ आपका देखिए साइन थीटा और ये रूट थ्री या आर साइन थीटा ऐसे दूसरा मेथड अब आप कर दस स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द साइड इनको आप स्क्वायर कर दीजिएगा और ऐड कर दीजिएगा माइनस वन का स्क्वायर और प्लस माइनस रूट थ्री का स्क्वायर लेफ्ट में आर कॉस थीटा का स्क्वायर और प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर ऐड कर दीजिए इफ एनी निगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर आंसर इज पॉजिटिव वन प्लस थ्री रूट थ्री कंप्लीट थ्री इसे बनो आर स्क्वायर देखो आपका ना आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो फोर इज इक्वल आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आईडी लगती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होती वन तो आप करिएगा तो फोर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू वन आर स्क्वायर इज इक्वल प्लस माइनस का इधर से आपका ये फोर होता है आपका नाम आप प्लस की वैल्यू लेंगे
R is equal to 20, okay? R is equal to 2. A modulus. Clear? Okay. R cos theta equal to minus 1. R cos theta equal to minus 1. And R sin theta equal to माइनस रूट थ्री अपर इज इट क्लियर. इसका था अब आपका कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए. कॉस थीटा की वैल्यू निकालो इससे माइनस वन अपॉन आर. आर की वैल्यू कितनी है टू और कॉस साइन थीटा. साइन थीटा की वैल्यू माइनस रूट थ्री अपॉन ये आपको आर. आर की कितनी वैल्यू आई कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी. ठीक हो गया. अब आपका देखो इसका मतलब लाइन ऑफ रोटेशन ऑफ एंगल विल बी कहाँ हो गए कॉस. कॉस और साइन दोनों कहाँ रहे माइनस माइनस है तो माइनस माइनस तो कहाँ जाएंगे आपका देखो कहाँ दस लाइन ऑफ कॉस और साइन कहाँ होते हैं माइनस माइनस रोटेशन. हाँ बोले रोटेशन ऑफ एंगल. हाँ जी एंगल थीटा यस विल बी ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आपको होता. बिल्कुल आपने परफेक्ट बोला. इसका होता तो थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा तो कॉस में देखो आपका ये किसमें होगा थीटा इज इक्वल टू माइनस टू पाई बाई थ्री हो जाएगा. और साइन में ये साइन में है तो साइन थीटा थीटा आपका ये भी कितना हो जाएगा साइन तो थीटा इज फोर पाई बाई थ्री हो जाएगा. कॉस थीटा इज माइनस कॉस थीटा ये कॉस थीटा में किसकी वैल्यू होती है जानते हैं आप माइनस 120 आपका कॉस या आपका माइनस 120 की वैल्यू माइनस 120. अब इसको 120 को आप कन्वर्ट कर दीजिए आपका क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3. पाई कहां था 180 62 जा आ गया. यानी कि कॉस थीटा इक्वल जो माइनस आप है उसको आप क्या लिख सकते हैं आप अपन हो कॉस थीटा आप देख रहे हैं इक्वल टू माइनस इसका आपका माइनस टू पाई बाई थ्री जी. वहां पे मैंने थीटा कहा यहाँ पे ये वाला ना. हाँ वही वाला 240. अब आप कर दो साइन 240 आ गया. साइन 240 का मतलब क्या होगा अरे इसको आप जब साइन 270 माइनस क्या कर देंगे आपका 30 कर देंगे तो माइनस क्या आ जाएगा माइनस 30 आएगा ना. सॉरी 270 माइनस हाँ या आप क्या कर सकते हैं 180 प्लस 60 कर सकते साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस तो आपका माइनस साइन आया. ठीक है ना माइनस साइन या तो ये हो या आपका देखो ये क्या हो जाएगा 4 पाई बाई 3 हो जाएगा. दिस ये आपका 4 पाई बाई 3 भी हो जाएगा. तो देखो तो या तो ये होगा या आपका थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी. इसका मतलब दस जो मॉडुलस था मॉडुलस आर इस इक्वल टू आपका कितना है ये टू है आपका और एंड जो आर्ग्यूमेंट है आर्ग्यूमेंट ये आपका माइनस टू पाई बाई थ्री और आपका फोर पाई बाई थ्री ये आर्ग्यूमेंट है. या तो यह आएगा या और आप लिख सकते हैं तो कौन सा वाला मेथड अच्छा लगा ये वाला इससे करिए
मेरा काम है बताना। सर जैसे हमारे वहाँ पे ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 10 पाई बाई थ्री आया ना, 10 पॉजिटिव कहाँ होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है और क्वाड होता है तो 180। नहीं तो फिर आपका 180 से ऊपर, क्योंकि यहाँ 180 से ऊपर आएगा ना थर्ड क्वाड्रेंट में, वो भी तो चेक करोगे। ये जो है ये पाई बाई थ्री आपका 10 आपका ये क्या लिखा, 9 ऑफ रोटेशन आपका थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है, ये पाई बाई थ्री है तो 10 180 प्लस थीटा क्या होता है, यही होता ना। इसको पाई बाई थ्री को आपने क्या लिखा, 10 180 प्लस पाई बाई थ्री लिख दी थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। ये तो पता है, अगर यहाँ आप जैसे ही है ये कॉस थीटा है, ये देखो ना आप छोड़िए, ये कॉस थीटा और साइन थीटा यहाँ कहाँ आ रहा है, ये भी तो थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, माइनस कहाँ होता है थर्ड क्वाड्रेंट, तो ऐसे आपका पॉजिटिव 10 तभी तो आपको पता लगेगा 10 थीटा और कॉस थीटा कहाँ होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे आप, यार 180 और 180 प्लस आए 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में 180 तो पाई बाई थ्री को आपने क्या लिखा, इसको पाई प्लस पाई बाई थ्री लिख दिया 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा, अब आपको पता होना चाहिए। अरे मोहतरमा पाई बाई थ्री का मतलब क्या होगा, 60 कहाँ आता है, 90 माइनस थीटा में आता है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ 10 कहाँ आ रहा, पॉजिटिव 10 कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव तो हमारा उसमें भी आ ही सकता है, वो 90 माइनस में थोड़ा आएगा, ऑल पॉजिटिव होता है ना उसमें तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता नहीं होता, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट, आपको 10 देखना उसमें तो सारे साइन कॉस सब होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर आप जब आएंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कौन होता है, यहाँ कौन होता है साइन कॉस कॉसेक, यहाँ 10 कॉट तो यहाँ आपका सेक, इसलिए आप इसको 10 को पर्टिकुलर 10 के फील्ड में देखोगे ना, 90 माइनस में नहीं देखोगे, आपका 10 कहाँ पॉजिटिव होता है, इस वाले फील्ड में देखोगे थर्ड पॉइंट, इसलिए इसको कन्वर्ट किया आपने 180 प्लस थीटा में, क्योंकि 10 180 प्लस थीटा 10 थीटा ही होता है, इसको कन्वर्ट किया 180 प्लस जो थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है 180 प्लस आ रहा है ना, क्लियर है। अब इसको 10 से 10 कैंसिल हो तो आपको थीटा 3 पाई जा 3 पाई प्लस 1 पाई 4 पाई बाई थ्री मालूम, तो थर्ड क्वाड्रेंट अगर यहाँ पे साइन होता, साइन होता आप क्या करते सेकंड क्वाड्रेंट में जाते, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब क्या हो गया, या तो 90 प्लस थीटा जाओगे या 180 माइनस थीटा जाओगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका था या तो आप क्या जाते या 270 माइनस थीटा जाते, इज इट कि नहीं, तो आपको प्लस है तो इसलिए प्लस का कन्वीनियंट लेकर के हम चले, क्लियर। तो दूसरा क्वेश्चन आप करोगे, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज जेड इज इक्वल टू अपन क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको कर लीजिए, पहले इसको पूरा कर लीजिए, आपको जो मेथड अच्छा लग रहा मेरा काम बताना था, माइनस √3 और प्लस 5।